पौड़ी पुलिस थाना अंतर्गत आने वाले पाडी ओवरब्रिज पर देर रात 11 बजे एक बारदाना से भरा ट्रक पलट गया है, जिससे कुछ देर के लिए आवाजाही प्रभावित हो गई, जिसके चलते तत्काल पुलिस द्वारा कार्यवाही कर आवाजाही सुचारू रूप से कार्यान्वित की गई। कल 17 जनवरी 2024 को बुधवार की रात 11 बजे के दरमियान पाडी ओवरब्रिज पर बारदाने से भरा ट्रक पलटी हुआ। ट्रक आयसर कंपनी का बताया जा रहा है, जिसके सामने स्कूटी से आती लड़की को बचाने के चक्कर में ट्रक ड्राइवर ने अचानक से ब्रेक मारा, जिससे ट्रक असंतुलित हुआ और जुडिशियल कंपनी के पुल के पास पलट गया, जहां पुल का निर्माण कार्य चल रहा है। घटना की जानकारी मिलते ही पाड़ी पुलिस द्वारा टीम भेजी गई। गनीमत रही कि इस घटना में ट्रक ड्राइवर इजराइल शेख हनीफ और क्लीनर दोनों सुरक्षित हैं। इस घटना के चलते कुछ देर के लिए आवाजाही प्रभावित हो गई, जिसके चलते तत्काल पुलिस द्वारा कार्यवाही कर आवाजाही सुचारू रूप से कार्यान्वित की गई। गौरतलब है कि इस ट्रक में बारदाना भरा हुआ था और यह ट्रक उमिया से कलमनाक की ओर जा रहा था। कल दिनांक 17/1/2024 रात 11 बजे के दरमियान पारडी उद्यानपुर के ऊपर एक ट्रक पलटी होने की जानकारी पुलिस को मिली। तुरंत पुलिस के बीट मार्शल और नाइट ऑफिसर पीएसआई इंगड़े घटनास्थल पर पहुंच गए। वहां उड्डानपुर के ऊपर आइसर ट्रक क्रमांक MH40CM4029 ये अचानक ब्रेक लगाने के से वो जो जुडिशियल कंपनी का पुल का जो काम चालू है वहां पे गिरा था। फिर पुलिस ने दो क्रेन की सहायता से वो ट्रक को और ट्रक का सामान बाहर निकाला। ट्रक में एक ड्राइवर था और उसके साथी क्लीनर था, दोनों को कुछ भी जख्म हुई नहीं, दोनों सुरक्षित बाहर निकाले। ट्रक चालक इजराइल शेख हनीफ, इनके कहने के मुताबिक ट्रक में जो बारदाना भरा हुआ था वो बारदाना लेके उमिया से लेके कलमना के तरफ उड्डान पुल से जा रहे थे, तभी अचानक एक स्कूटी सामने आई। वह उनको बचाने के चक्कर में उन्होंने ब्रेक मारा तो वो बारदाने की वजह से ट्रक पलटी हो गया। तो कोई इंजरी नहीं, जो ट्रक चालक और उसका साथी क्लीनर उसको पुलिस ने और जुडिशियल कंपनी के कामगार लोगों ने सुरक्षित बाहर निकाला है। कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ मनीष डेमरी की रिपोर्ट।